धन्यवाद आपको। सर मेरी आवाज आ रही होगी आप लोगों को? हाँ जी, हम लोग सुन पा रहे हैं सर। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा सा आप सबसे क्षमा चाहूँगा लेट मिलने के लिए। जैसा कि मैंने बताया आपसे कि मैं बाहर था, अभी जस्ट पहुँचा हूँ। आपने एक अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि सर्वप्रथम जिस तरह से हम लोगों ने सबने मिलकर के फ्रेश लीची को जीआई मिला है, उसके बाद लीची के शहद के ऊपर यह प्रयास काफ़ी सराहनीय है। और यह प्रयास निश्चित तौर से सफल होगा तो आने वाले समय में इससे जुड़े हुए जो लोग हैं उनको निश्चित तौर से सीधे सीधे फायदा दिखेगा। और शायद अगर मैं गलत नहीं होऊंगा तो यह शायद अपने आप में एक अलग तरह का प्रयास है, जो कि शहद में स्पेशल काइंड ऑफ जीआई किसी प्रोडक्ट को ऐड करके उस पर जीआई को लेना, यह अपने आप में काफ़ी सराहनीय है। शायद यह अपने आप में नई पहल है आप सबके माध्यम से, और ऐसे पहल की ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक पहचान होती है। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में यह पहचान इस क्षेत्र के लिए एक बड़ा लाभकारी होगा। बीड़ा वाणिज्य उद्योग मंत्रालय भारत सरकार हमेशा इस प्रयास में रहा है कि इस तरह के नए इनोवेटिव अप्रोच जो इंस्टीट्यूशंस के द्वारा लिए जा रहे हैं, किस तरह से एक आर्थिक रूप से समृद्धि की पहचान हो, जिससे इसे जुड़े हुए जो भी वर्ग हैं उनको सीधे लाभ मिले। और यदि ऐसा संभव हुआ आने वाले समय में जो हमें जीआई मिलेगा, तो निश्चित तौर से बीड़ा प्रयास करेगा कि इसका अंतर्राष्ट्रीय बाजार भी उपलब्ध कराया जाए, जिससे कि इसके मार्केट के का जो इशू है उसमें जो भी चैलेंजेज हैं और किस तरह से इसका मार्केट भी इस्टेब्लिश किया जाए, निश्चित तौर से हम उसकी मदद करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से अभी अंतर्राष्ट्रीय बाजार शहद को लेकर के, क्योंकि मैं अभी 3-4 दिन से उत्तराखंड में था और वहाँ पे भी जो पहाड़ी हनी है, हिमालयन हनी है, उसको लेकर काफ़ी प्रयास चल रहा है और एक बहुत बड़ा सेगमेंट वहाँ से लगातार विदेशों को जा रहा है। लेकिन फिर भी वो प्रोडक्ट किसी स्पेशल प्रोडक्ट बेस्ड नहीं है, मिक्स है, ऐसे है, बट वो भी इस तरह से स्पेसिफिक कोई जीआई नहीं है। तो यह पहल निश्चित तौर से सराहनीय है। मुझे उम्मीद है इसका लाभ आपके माध्यम से आने वाले समय में लोगों को मिलेगा। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में शहद की बहुत बड़ी मांग है, और ऐसे उत्पाद को अगर हम करते हैं तो आने वाले समय में हमें खास करके अमेरिका और यूरोपियन मार्केट में, जो कि काफ़ी प्रीमियम मार्केट है, और मैं ऐसा महसूस करता हूं कि एक प्रीमियम प्रोडक्ट होगा, क्योंकि लीची का शहद निश्चित तौर से प्रीमियम मार्केट के लिए ही जाएगा। और जो लोग इसको अभी है, ऐसा नहीं कि लोग इसका उत्पादन नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक जीआई ग्रुप में आना हम सबके लिए काफ़ी सराहनीय और एक ताकत देगा देश को और यहाँ के जो लोग बात कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको इसे सीधे सीधे लाभ हो, और मैं धन्यवाद भी करना चाहूँगा इस आयोजन के लिए कि आपने प्रयास किया। मैं आना कुछ चाह रहा था लेकिन मैं नहीं आ पाया किसी कारणवश। आने वाले समय में जब इस तरह का प्रोग्राम होगा, मैं निश्चित सुनिश्चित करूँगा कि मैं आऊँ और आप सबसे सीधे सीधे आप सब लोगों से मुलाकात हो, और जो भी हैपीडा का प्रयास हो सकता है इस माध्यम से हम उसको करने की कोशिश करेंगे। तो धन्यवाद। यदि आपका आप में से किसी का कोई प्रश्न हो तो मैं सक्षम हूँ उसका जवाब देने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू सर। अगर आप में से किसी का कोई प्रश्न है पूछना चाहेंगे सर से तो आप पूछ सकते हैं। मेरे ख्याल से सर इस तरीके का जो कार्यक्रम हम लोगों ने प्रारंभ किया है, ये कार्यक्रम आगे भी अलग अलग रूपरेखा के साथ होते रहेगा, और उसमें आपका सहयोग हमें हम चाहेंगे कि बना रहे, और अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग स्टेक होल्डर के साथ जब हम बात करेंगे, उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे और फोकस्ड वे में इंटरेक्ट करेंगे, शायद उस टाइम पे हमें स्पेसिफिक क्वेश्चन, स्पेसिफिक डाउट्स लोगों से आने प्रारंभ हो। और क्योंकि इस तरीके का पहल हमारे यूनिवर्सिटी द्वारा एक पहला है और यूनिक है, एक ऐसे प्रोडक्ट के लिए जो किया जा रहा है, तो समय के अनुसार लोगों में अवेयरनेस बढ़े
और ये चीजें जो है हम लोग चाह रहे हैं कि घर घर तक जन जन तक जाए, एटलीस्ट 3-4 जो डिस्ट्रिक्ट है जो इसमें फोकस वे में काम कर रहे हैं वहाँ पे जाए, तो आगे हम लोगों को इसको आगे बढ़ाने में और इस चीज को समझने में भी काफी फायदा मिलेगा। तो सर माइक दीजिए। ठीक है, तो धन्यवाद आपको सर। आई थिंक एक है किसान है वो कुछ पूछना चाहते हैं, तो ठीक है दे दीजिए। सर अभी तक जो है जो लीची हनी पर काम होता है तो इसमें है क्या कि हम लोगों का मेन मार्केट का प्रॉब्लम होता है। जो शहद निकला जिस तरह से हम लोग निकालते हैं उसका सेल बाहर के द्वारा होता है जो इसमें खरीदारी करते हैं लोग, लेकिन इसका कोई आदमी ऐसा नहीं चाहता है कि इसकी गुणवत्ता कैसे बने इस पर काम हो। तो हम चाहेंगे कि अगर ऐसा काम शुरू हो रहा है तो इस पर जो है किसे काम होनी चाहिए, पालक के बीच में एक अच्छा सा मीटिंग हो जो पालक को बताया जा सके कि हाँ भाई आप ऐसा करो वैसा करो जिससे आपकी शहद की गुणवत्ता बनी रहेगी। देखिए इसमें कुछ ऐसा बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी नहीं है गुणवत्ता के लिए जी। मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन मैं उस आपके क्षेत्र से काफी अच्छी तरह से परिचित हूँ और शायद मैं गलत नहीं हूँ तो कम से कम मैं 25 से 30 बार क्षेत्र का मैंने भ्रमण व्यक्तिगत तौर पर किया है। लोग परिचित होंगे यहाँ जो बैठे होंगे जो कुछ लोग नहीं जानते होंगे। मैंने जो महसूस किया है कि हमारे अपने लोग भी इस गुणवत्ता को खराब कर रहे हैं या 10 पैसे कमाने के चक्कर में या जो भी उसके पीछे कारण हो मुझे नहीं पता। इसमें एक हमें ब्रांड लेके आना पड़ेगा और ये ब्रांड जिस तरह से शाही लीची का आप लोगों ने ब्रांड बना रखा है कि शाही लीची है उसकी अलग पहचान है छवि है पूरे विश्व में, तो उसी तरह से इसके शहद के भी एक पहचान हो और वो ब्रांड कैसे हो इसके लिए आपका कोई ऑपरेशन चाहे इंडस्ट्री हो चाहे इंस्टीट्यूशंस हो। और सौभाग्य की बात है कि वहाँ पे जहाँ बैठे हैं वहीं पे आपके बगल में राशि लीची है, आपके बगल में इतना बड़ा यूनिवर्सिटी कैंपस है जहाँ से प्रोग्राम हो रहा है, तो निश्चित तौर से बड़ा ब्रांड और उसके लिए क्वालिटी पैरामीटर यूनिवर्सिटी है ये सभी लोग जानते हैं जो काफ़ी लोग साथ में काम कर रहे हैं यूनिवर्सिटी में, साथ ही साथ लीची पर भी लोग काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है जो कि संभव नहीं। आज अगर महाराष्ट्र में चाहे उत्तर प्रदेश में या पंजाब में नए नए प्रोडक्ट पे लोग ब्रांड बना करके इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं तो आप लोग भी इसको ब्रांड के रूप में लेके आइए और उस ब्रांड का रजिस्ट्रेशन हो। रजिस्ट्रेशन के बाद निश्चित तौर से उसकी गुणवत्ता को लेकर के जो FSSAI की स्टैंडर्ड है वो पैरामीटर बने हुए हैं ऑलरेडी, उस पैरामीटर को मॉनिटर करने के लिए इंस्टीट्यूशन हो उसका सर्टिफिकेशन हो, उस सर्टिफिकेशन के बाद तब जाकर के क्वालिटी जब पैरामीटर पास करे तब जाकर के उसको की बात नहीं है। दूसरे उत्पादों में भी हमें क्वालिटी टेस्ट के लिए आपके पास ऐसे संसाधन हैं और मुझे जहाँ तक याद है कि कुछ क्वालिटी लैब को लेकर के बात चल भी रही है तो मुझे उम्मीद है कि सारे समाधान जल्दी भी आप लोगों को मिलेगा। थैंक यू सर, धन्यवाद। थैंक यू सर फॉर स्पेयरिंग योर वैल्यूएबल टाइम।